व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाइन अप। और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक कमाल की वीडियो, जिसका टाइटल पढ़ के मेरा इंटरेस्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पे मनकू ने लिखा है यो हनी सिंह इज अ लिरिसिस्ट और नॉट, लेट्स एंड द डिबेट। देखते हैं भाई क्या लेकर आया। फैक्ट्स ही लेकर आया होगा, बट ऑब्वियस कोई पेड फैन पेज नहीं है ना, अनलाइक बादशाह कि कोई भी बकचोदी पेल दो। देखते हैं क्या लेकर आया मन को। हाँ तो भाई, कैसे हो सारे? आजकल सीन में तुमने नोटिस करा होगा, भसड़ मची है। हनी पाजी के अगेंस्ट पेड कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, ये कहकर कि हनी सिंह को तो और पता नहीं, बैकग्राउंड स्कोर बड़ा मस्त है, टन टन टन, लिखना ही नहीं आता, ही इज नॉट अ लिरिसिस्ट। उनको डिफेम करा जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, आजकल की लॉकडाउन किड्स को काफी ज्यादा मैनिपुलेट करा जा रहा है। इसके बारे में तो आगे बातचीत करते हैं, लेकिन डोंट वरी भाई, आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा हनी सिंह लिख सकता है या फिर नहीं। चलो भाई चलो, पानी पुनी पी के पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न उठा के बैठते हैं, देखते हैं। मनकू भाई ने आज 100% क्लियर कर ही दिया है कि क्या होने वाला है वीडियो में। प्रूफ से बातचीत करेंगे, कोई फालतू की बातचीत नहीं। तुम सब्सक्राइब का बटन दबा दो, अपन आगे बढ़ते हैं। ये मनकू ने मेरे लिए बोला है, कर दो सब्सक्राइब। मैं मजाक नहीं कर रहा, मनकू को भी कर लो यार सब्सक्राइब। भाई अपना बहुत प्यारा भाई है, मनकू को भी सब्सक्राइब करो, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो पहले तो तुम ये जानो कि हनी पाजी अभी करंटली क्यों नहीं लिख रहे हैं अपने ट्रैक्स। पहले तो उन्होंने सारे ट्रैक्स लिखे हैं, बट अभी क्या रीजन है नहीं लिखने का, तुम ये चेक करो। क्या हुआ कि सर मैंने ये सब गाने हैं 10 साल पुराने के। अरे ये तो पाजी ने बात बताई थी कि ये 10 साल पुराने गाने हैं जो हनी पाजी के वो खुद लिखते थे, और ये सारी बात उन्होंने बताई हुई है, इसी इंटरव्यू में बताई थी सिने कनेक्ट के साथ। उसमें उन्होंने बोला था कि अगर मैं आज के टाइम में, मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है चीज़ों के साथ, तो मैं खुद नहीं लिखता हूँ, तो आई एम हायरिंग प्रोफेशनल राइटर्स जिन्होंने मेरी हनी 3.0 के कुछ लिखे हुए गानों के फ्लॉप होने के बाद उन्हें रीराइट करा था, दोबारा लिखा था गानों को। उनमें से कला स्टार एक है, जहाँ तक मुझे एक इंटरव्यू याद है, आगे देखते हैं। तब तक मेरा हाथ बहुत मज़ेदार चल रहा था, मैं पूरी दुनिया घूम रहा था और अपग्रेडेड था पैशन से, लाइफस्टाइल से, सब चीज़ों। yes, के बाद मेरा ब्रेकडाउन हुआ और फिर मैं घर रहा तकरीबन 7 साल, और मैंने और हाँ उसके बाद मतलब ऑब्वियसली बंदे का सिंक टूट जाता है, एक फ्लो में करता रहे तो करता रहे। इंटरनेट नहीं देखा मैंने, टेलीविजन नहीं देखा मैंने, टेलीफोन पे बात नहीं करी किसी से, तो मैं कट गया दुनिया से की, और म्यूजिक से भी काफ़ी कटा। तो उसके बाद मेरा जो रुझान हुआ वो थोड़ा उर्दू पोइट्री की तरफ चला गया। तो मैंने उर्दू पोइट्री सुननी और लिखनी, जितनी सुन के समझ आया वो सब लिखने शुरू कर दी। लास्ट एल्बम जो थी मेरी, उसके 2-3 गाने मैंने खुद लिखे, तो वो चले नहीं, तो मैंने फटाफट समझा, मैंने कहा ये मेरे से यही बात हुई थी, तो मेरे को याद है इंटरव्यू। तो आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वो जिन्होंने इंटरव्यू देखा उनको पता ही होगा, जो फॉलो करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैंने आइडियाज दिए कि वी कैन मेक अ सॉन्ग लाइक दिस, लाइक मिलेनियर और समथिंग लाइक दिस। इस बार इन्होंने प्रोफेशनल राइटर्स एंड ग्रुप ऑफ न्यू राइटर्स हायर करा है, जिसमें इन्होंने कहा कि आइडिया दे रहा हूँ कि मिलेनियर जैसा गाना बनाओ, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो वैसा कुछ गाना बना। फेयर इनफ, आगे चलते हैं। यहाँ पर गाने सब ऐसे बने लाइक दिस, मतलब 15-15 मिनट में मैंने वो गाने लिखे। सो बेसिकली आजकल के जो लॉकडाउन किड्स हैं, इनको मैनिपुलेट क्यों करा जा रहा है? वो इसलिए करा जा रहा है, जैसे जियान है, इस बंदे को सिर्फ हेट ही मिलती है, प्यार कहीं से नहीं मिलता। इसके सारे ट्रैक्स, एल्बम्स भाई वो एड्स के थ्रू चलती हैं। स्पॉटिफाई देख लो, हर एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म देख लो, सोशल मीडिया देख लो, यूट्यूब देख लो, हर जगह पे एड्स के थ्रू इसके वो उसका गुजारा नहीं है बिना एड के। वो तो खुद ही बोल चुका है कि एडवर्ड पे गाना चलाता हूं मैं, ऑर्गेनिक फैन बेस तो है नहीं भाई का, वो एक दार नन्नू मुन्नू पुन्नू से हैं, वो कर देते हैं जाके एक आध कमेंट, गाने चलते हैं। बेसिकली पूरा करियर ही एड्स पे टिका है, इसने फैंस नहीं कमाए। तुमको प्रूफ देखना है भाई, इसकी कोई भी पोस्ट के कमेंट्स देख लेना, इसके कोई भी ट्रैक्स के कमेंट्स देख लेना, हाँ पता लग जाएगा तुम्हें कि हाँ या तो पेड़ है या फिर फेक डलवाए हुए हैं, वो पता लग जाएगा तुम्हें। जैसे तुम बादशाह की कोई भी पोस्ट खोलोगे, कुछ भी खोलोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि फेक डलवाए हुए कौन से हैं या पेड एडवर्ड से गाना चलवाया हुआ कौन सा है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, बहुत सारे गाने हैं, कई गाने ऐसे हैं। अब देखो ऑर्गेनिकली अगर कोई गाना 30 मिलियन 20 मिलियन जाता है, तो विद टाइम उसके थोड़े बहुत व्यूज़ बढ़ते रहते हैं अगर वो गाना इतना चला हो।
एग्जाम्पल था, एक गाना आया था इसका काफ़ी देर पहले, पता नहीं वो इसने एक दारू की ऐड करी थी उसमें, जेमसन की ऐड करी थी। हाँ, तो उसके अंदर इसने एक क्या कहते हैं 15-16 दिन में 2 लाख व्यूज़ आए और 17वें दिन उस पर 33 मिलियन व्यूज़ थे। आज भी उस पर देख लेना 33-34 मिलियन व्यूज़ ही हैं, तो वो बढ़े नहीं एक साल के अंदर भी, वहीं खड़े हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें पता लग जाएंगे कि एक रात में फेक व्यूज डलवा दो या ऐड डलवा दो अपने स्पॉन्सर को दिखाने के लिए, वो वाला चीज है। पता चल जाएगा कल्ट फैनबेस सिर्फ हनी पाजी ने कमाया, और क्यों कमाया, क्योंकि बंदा सच्चा है भाई, कभी भी इनके जैसे फद्दू हरकतें नहीं करी। क्योंकि जियान जैसे आर्टिस्ट जब जब हनी पाजी का कोई प्रोजेक्ट आता है भाई, इनकी पीआर टीम काम करने लगती है, इनको इंटरव्यूज में पहुंचाती है। तुमने देखा होगा लल्लन टॉप पे हनी पाजी ग्लोरी का प्रमोशन करने के लिए गए थे, उन्होंने तो बातचीत भी नहीं छेड़ी थी इनसे रिलेटेड। ऑब्वियसली सौरभ द्विवेदी ने बात छेड़ी बिकॉज उसको पता है कि कंटेंट कैसे रेडी करना है। तो व्यूअर ने ही बातचीत छेड़ी, उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई। 2 दिन बाद ही जियान मुंह उठा के लल्लन टॉप पे चला गया। और हाँ बहन, जो इतना वॉनबी बंदा मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में, कि भाई बात हुई है एक बंदे की इंटरव्यू के अंदर, उसने जनरली बोल दिया तुमने कभी आज तक देखा है कि जियान ने जाके बकचोदी पहली और हनी सिंह अगले दिन जाके उसी इंटरव्यू को इंटरव्यू दे रहा हो? नहीं होगा भाई, ये वॉनबी लोग हैं बहनचोद, ये जाते हैं उसी टाइम मुंह उठा के हाँ भाई हम जाएंगे, अब मजा आएगा। ना किसी एल्बम का प्रमोशन करना था, ना कोई ट्रैक का, फिर भी चला गया। क्यों? क्योंकि हनी पाजी को नीचा दिखाने का मौका उसको उससे अच्छा कहीं नहीं मिलता, और वहां भी उसने वही 10 साल पुरानी बकचोदी पेल ली कि ब्राउन रंग मैंने लिखा है, जिसकी वजह से भाई नहीं एक और बकचोदी पे लिया उस चूतिया ने, मेरा मतलब उसने, चलो अब तो बोल दिया चूतिया ही सही। तो उसने वहाँ पे जाके एक और बकचोदी पे लिया है कि पहले तो करता आ रहा था 10 लाख रुपए लिए, फिर करने लग गया कि 11 लिए, फिर करने लग गया कि पहले 2 लाख लिए फिर 3 लाख लिए, फिर कहने लग गया कि गेटअप जवानी के लिए 6 लाख अलग लिए। तो एल्बम के 10 लाख को इसने बाइफरकेट किया कि 2 लाख लेके काम नहीं किया तो मैंने 3 लाख और दिए कि और काम मत करो, और 6 लाख मैंने गेटअप जवानी के लिए दिए लेकिन मेरी एल्बम नहीं बनी, एल्बम के पैसे ले लिए। बहन जो क्या बकचोदी है ये, क्या बकवास कर रहे हो आप? आपकी इंटरव्यू में आप ही की बातों का सिर पैर नहीं है, हर 2-3 मिनट बाद आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। आज के जो बच्चे हैं जिन्होंने हनी सिंह का एरा नहीं देखा, उनको सुना नहीं भाई, उनको बिलीव हो या जाता है उनकी बातों पे, मैनिपुलेट हो जाते हैं। अब ब्राउन रंग इसने लिखा था 2011 में, ऐसा इसका कहना है। तुम ये क्लिप चेक करो भाई, हनी भाजी का 2009 वंजारे में रैप है यार वो वाला हनी सिंह का, और 2011 में इसने लिखा, ये इसने अपने इंटरव्यू में बोला हुआ है, जाके वही इंटरव्यू चेक करना, इसने बोला कि मैंने वो गाना 2011 में लिखा है लेकिन वो रैप 2009 में आया है। हमें ट्रैक आ गया था वंजारे, जिसमें ब्राउन रंग का वर्स है। हनी भाई जी टाइम मशीन में बैठ के तो गए नहीं होंगे कि चल भाई जो जियान ने वर्स लिखा था वो मैं अब इसमें डाल देता हूँ 2 साल पीछे जाके। इनके हिसाब से कि इन्होंने लिखा था, 1-2 लाइंस लिखने से भाई क्या तुम 10 साल तक रोते रहोगे, वो भी उन ट्रैक्स के लिए जो तुम कसम से भाई कसम से। और चलो अगर तुमने 2 लाइनें लिख भी दी भाईचारे दोस्ती यारी में, क्या रोता है आदमी भाई, क्या रोता है आदमी, मतलब कसम से 12 साल उसी जगह पे अटका हुआ है। आज तक बना ही नहीं पाया भाई, तुमने अगर लिखा 13 था भाई, सीधी सिंपल बात है, तुम क्यों नहीं बना पाए ऐसे ऑल टाइम हिट्स। माना कि तुम्हारे ट्रैक्स पे बिलियंस में व्यूज हैं, लेकिन वो क्यों है सबको पता है भाई, लटक मटक झटक, ये कोई लिरिक्स होता? अरे यार एक गाना जो जेन्युइनली नविंदर ने लिख के बनाया पूरा गाना, वो गाना था बखरा स्वैग, उस पर बिलियंस में व्यूज़ हैं। बंदा आके कहता है वो मेरा स्टूपिड सॉन्ग था अपने इंटरव्यू के अंदर, फिर बंदे ने बोला उससे बड़ी बेवकूफ़ी सुनो, कहता कि मुझे लगता है कि पागल इंटरनेशनल ग्रैमी लेवल का गाना था तो हमने उसके ऊपर 72 लाख के एडवर्ड खरीदे। क्या आदमी है भाई, तुम्हें पागल है पागल है पागल है, गाना इंटरनेशनल लग भी कैसे सकता है? होते हैं एड्स के थ्रू, तुमने अपने गाने को पुश करा प्रमोट करा तब जाके भाई वो वहां पे पहुंचे। हनी सिंह का अलग सीन है भाई, उस बंदे के ट्रैक्स ब्लूटूथ के टाइम पे हिट हो गए थे। उस बंदे के ट्रैक्स पे इतने ब्लूटूथ शेयर्स हुए हैं ना जितने तुम्हारे आज के टाइम पे ट्रैक्स पे बिलियंस में व्यूज हैं, उससे कई गुना ज्यादा उसके ट्रैक्स पे ब्लूटूथ शेयर्स आ चुके थे जब कोई इंटरनेट नहीं था। ब्रेकअप पार्टी जो आज के टाइम पे काफी ज्यादा लोग सुनते हैं, लूप पे चलता है भाई।
वो तो हनी सिंह ने ही लिखा था ना, लियो ने गाया था वो गाना। वो ऑल टाइम हिट ट्रैक है, कभी भी सुनो फ्रेश ही लगेगा। हनी पाजी ने लिखा था लियो ग्रेवाल को, क्योंकि ठेठ पंजाबी आती है, हिंदी नहीं आती। तो मुनी के मुंह से सुनो। तो पाजी ये जो गाना है ब्रेकअप पार्टी, ये पूरा आप ही ने लिखा है? नहीं 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 भाई, ये हनी भाई ने मेरे को ब्रेकअप पार्टी इन्होंने पिच करके दिया कि भाई तू ये गा। अच्छा। तो कुछ थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच हमने करा तो उस हिसाब से बनाए। भाई ने लिखा है सारा मेरा कंटेंट, लियो ने, मैंने खुद नहीं लिखी एल्बम। और जब मैंने इसको 12 साल पहले लॉन्च किया था ब्रेकअप पार्टी गाने से, तो वो मैंने लिखा था गाना। ओके, सो 12 साल बाद उसने सारी मेरा कंटेंट उसने लिखा है। ये जो लाइन है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दिए मेनू, हमारे लिल गोलू ने लिखा था। लिल गोलू छोटा सा नेपाली सा, और उसने लिखी थी लाइनें, तो मैं कंपोज करी, मुझे अच्छा लगा। फिर बाद में इसके ऊपर बाद में इसको कंप्लीट हनी बाजी ने करा था। वेरी नाइस, मैंने पूरा लिखा और इसको शूट किया, और ये लोगों को पसंद आ रहा है और आप पसंद कर रहे हैं और इसको शेयर कर रहे हैं, और ये 4.5 मिलियन हो गए सिर्फ 5 दिनों में। सो इसको वैसे ही पुश करते रहो। देखो सीधी सिंपल बात है, हनी पाजी ने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं रैपर हूँ, मैं सिंगर हूँ। उन्होंने ही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, बड़ी क्लियर से बात बोली है। खुद को म्यूजिक प्रोड्यूसर ही माना है शुरू से, वो तो जनता ने उनको बना दिया भाई। जनता तो उनको रैप गॉड बोलती है, रैपर किंग बोलती है। Exactly. उन्होंने अपने ट्रैक ग्लोरी एल्बम का जो लास्ट ट्रैक है रैप गॉड, उसमें भी कुछ ऐसी लाइंस दी हैं। मैं तो कदे आख्या नहीं मैनू रैप आंदा, तां वी सारी कहंदी है आवाम रैप गॉड। हनी भाजी कभी भी हार्डकोर हिप हॉप नहीं करते, बट अगर बात आती है कमर्शियल हिप हॉप की, भाई साहब नो वन कैन बीट हनी सिंह इन कमर्शियल हिप हॉप। मतलब सेंस बहुत तगड़ी है, और अपन ने देखा है उस बंदी की कभी डिस्कोग्राफी उठा के देख लो। जी हां, जब डायपर में था ना, हनी पाजी ने 50 हिट्स फेंक दिए, वो भी कमर्शियल बैंगर्स जो कि खुद के लिखे हुए थे। लेकिन हनी पाजी के फैंस से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है भाई, इस वीडियो को ना, काश वो गाने हम चला सकते यार, हर ग्रुप में शेयर करो, हर किसी को बताओ, जितने भी लोग हनी पाजी को ट्रोल कर रहे हैं, कि हनी सिंह ने जो गाने लिखे हैं ना, वो तुम्हारे फेवरेट सो कॉल्ड आर्टिस्ट जिनका पूरा करियर पेड व्यूज पे टिका है, उनके बस की नहीं है भाई। 7 जन्म लग जाएंगे हनी पाजी के जैसे कमर्शियल बैंगर्स बनाने में। तो पहले सेक्शन में हनी पाजी के लिखे हुए ट्रैक्स दिखाऊंगा, दूसरे सेक्शन में जो हनी पाजी कलेक्टिवली लिखा करते थे अपने। अच्छा, प्ले करने वाला है तो भाई इनमें से कोई भी गाने पे अगर रिएक्शन चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, विल डू दैट। एक दो टीम मेंबर्स के साथ में। शाम बेबे तेरे ही नाम बेबे, आ तुझे प्यार करूं मैं। सरयाम बेबे मेरी एंजल, मैं तेरा डेविल बेबे, डेविल तेरा तेरा। आज दिया देखो रात जशन दी, थोड़े बहुत देखो गैंगस्टर फम दी। चीटे ते सूटे नु हाथ नहीं ओलांदा, दारू पिया गल्ला करो बोतल मकोंदा। मैं यार इसमें भी पारुल गुलाटी है ना जोरावर में यार। अरे भाई ब्रिंग मी बैक, क्या गाना है भाई। ये इसके लिरिक्स तो आंटी ने लिखे थे ना। हाँ वो लिखा हुआ नाम यो यो हनी सिंह एंड भूपिंदर कौर जी। तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी, चोरी चोरी ये सब, ये सब को तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन अनुदार। खोल लॉकर कट पे है फिर लॉकर, फोन रख लिया, चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा कैसे। हाँ ये लिल गोलू और हनी बाजी दोनों ने लिखा, नाइस कलेक्टिव वाले आ तेरी आंखें संबज रंग बली, लेल गोलू एंड योयो हनी सिंह, शक्कर पारे बटवाऊंगा, देसी की बूंदी शक्कर पारे बटवाऊंगा, डाले की बोल दे ये मेरा इकरार है। मिलिंद गाबा असली गोल्ड एंड योयो हनी सिंह, प्यार है ये प्यार बे। हाँ सचिन पाठक ने मराठी लिरिक्स लिखे थे, फेयर इनफ। पप्पा ने पड़ी खबर, छोरा ने लाग्यो डर, छोरी छोरी मैं पूरा कोका कोका चे तू पूरी कोला कोला, गुंदवा शरीर तेरा लगे कहंदे रैप रूप जिया करदा है मुंडा पटुआ पटण नो, तेरी सेली कूरे को साम मिलनेर रना सारी जान दिया करदा नी। अरे यार अलग ही वाइब है इस गाने की। कड़िया जान जान गैंगस्टर फन फन ग्लॉक गन गन हेरस पोजस नु रखा जुती थल्ले जट सिरे दा शिकारी आशिके मैं भाई रे दुनियादारी सब भूल गया कैसे नोवा बॉय बेबस।
लेल गोलू एंड यो यो हनी सिंह। गाड़ी हुई थी लैम्बोर्गिनी काली, तभी तो जितनी भी काली क्लोथिंग थी। यार एपिक सॉन्ग्स हैं ये, एपिक सॉन्ग्स। डिज्नीलैंड, अरे वो टंबल क्या नाम है उसका, वो आड़ा टेढ़ा एमसी स्टैन, वो उसके वो जो मंबलिंग कर रहा है ना, हनी सिंह ने कब की करके छोड़ी है इस गाने में। पेरिस है जब एक बू, आजा मैं लेके चलूं तुझको अपने घर। लगता हम पहले कहीं मिले या हुआ मुझे दे जाऊं इधर उधर का। अरे यार भाई इसने क्या आग लगाई है, गाने ने अपने टाइम में फाड़ा इस गाने, और ये हनी सिंह ने ही लिखे हुए हैं। ये लो लियो के साथ ये गाना था, ये हनी सिंह ने लिखा। भाई भाई ये जो फटा है पंजाब में गाना ना, जब ये आया था ओहो कसम से भाई, जिस लेवल पे ये गाना फटा था ना मजा आ गया। जिन्होंने सानू मोलिया साडी सादगी नु साथो खोलिया उत्तो जेड़े नखरे वो खानी सी ओ भी मैं सा गया यार। बता रहे से एक चीज याद आती है, कॉम्प्रो वेट करो गाने की, मतलब मजा आ जाएगा तुम। मैं कुछ नहीं बता रहा कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि शायद मैंने सुना है शायद नहीं है, बट जो आ रहा है नेक्स्ट लेवल। ने फुर्सत से तुझे बनाया टॉप क्लास, तराशा तू सारी बातें जाने, फिर भी हम बात न माने। खुद ही पगली पगली क्या है, यार क्या क्लासी गाने बनाए हैं बहन, सीरियसली। बेबी मेरा हार्ट होता है ब्रेक, मेरे गाने छोड़ जब तू सुनती है ब्रेक। जब लेता है हर नए दिन नए शॉपिंग का प्लान, कभी दिल्ली कभी बॉम्बे कभी तू मिलान। तेरा जान तू बन मेरी जान आज। ओए होए 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 क्या गाना है भाई ये। निकालूंगा तेरे प्राण, तीर लगेगा नहीं। पूछे घर से भागे थोड़े सोए थोड़े जागे। यार भी तू मेरा प्यार भी तू, मेरी जीत भी तू मेरी हार भी तू, मेरा दिल दाए। Yes, 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 yes. It was by Yo Yo Honey Singh. Round round with me, munde patti teri sare mere naam pe. Naach naach ke kamar tod di, maine tere piche daru jod di. 36,000 dollars khelne wali, aaj mange doll, cheek bana, ghabrana. Humko kehte Superman, on kar lo handy cam from AM to PM. Bhai saab. Sari daru sari maine khich di, wedding hai yaar ki to kam party with me. अरे यार नेक्स्ट लेवल सॉन्ग था ये, कुड़ी तू बटर है। ये गाना मुझे ठीक लगा था, कुड़ी चमकीली ना, आई जस्ट लाइक द सॉन्ग, ओके ओके था, बट लिखा हनी सिंह नहीं है ये गाना, है ना। हाँ भाई अलग लेवल यार, अमिताभ बच्चन फीचरिंग योयो हनी सिंह, और लिटरली योयो हनी सिंह को गानों में फीचर इसलिए कराया जाता था कि गाना नहीं फिल्म चल जाए। तेरी आंखों ने चुरा लिए, फिर बल्ब घर के तू फ्यूज करके। ओ शोर मचेगा यार, आई जस्ट लव्ड इट।
इसके मतलब गाने को मेरे देखने की वजह ये नहीं थी, मुझे इस गाने का पता तब चला था व्हेन श्रुति पोस्टेड, ये जो लड़की है इस गाने में, उसने अपने इंस्टा पे पोस्ट करा था, शीज़ अ रोडी, एक्स रोडी, तो इसने अपने वहाँ पे पोस्ट करा था। हद से ज्यादा जुर्मा ना पासा ना गले से लगा ना आए मेरे वर्ष को मेरी बीट को देखो कॉपी ड्रेक करे देखो गतिविधि तुझे ऐश कराऊ मालदार हूँ मैं ना खत्म हो पैसे काला जादू छाया है सब मोह माया है मेरी चली किस्मत तो बने गवाया है हिडन 30-60 कभी ना मैं नापू कभी ना मैं नापू कभी तो मैं बापू दारू का खोला बंद करा दिस दी तस्वीर तेरी मेरे जेनार तकदीर तस्वीर तेरे प्यार दी बड़ी हॉट गल कहंदा सिद्धि मैं ऑन द स्पॉट इसको बीट ते लक हिलाउंदी नारे नी नारे नी नारे जीक्यू मैगजीन ते तेरा यार कहंदी घूमण जाना मैनू लेके चल बाली। इसके लिरिक्स होमी ने लिखे थे, रैप लिखा था योयानी सिंह ने। और भाई तुम लोग बोलते हो रैपर नहीं है बंदा, राइटर नहीं है, सॉरी, अलग लेवल भाई, अलग लेवल कसम से। जिनको इन गानों के बाद भी लगता ना बंदा लिरिक्स नहीं लिख सकता, तो बैंचोर खड्डा खोदो, बीच में छलांग मारो और बाहर कोई खड़ा होगा उसको बोलना मिट्टी डाल दो ऊपर से। बाली कितनी दूर है तू पे रोल करन हैश मैं काउंट करा कैश मेनू लश्कारे कोके दे तेरे कोका तेरा लश्का मारे। आई लव दिस सॉन्ग। अपनी डोर से ये गाड़ी नाम तुझे मेरी। भाई क्या लेवल का गाना है ये, कसम से इसको हाइप नहीं मिली उस गाने को, बट ये गाना क्या ही अलग लेवल का गाना है भाई, मज़ा आ जाता गाना सुन के। एंड अलग यार कॉम्पोजिशन ही बहुत डिफरेंट थी गाने से। और हनी सिंह इज सेइंग 20 मिलियन गया हुआ गाना चला नहीं है। नाइस नाइस। चुकी है कारा विच सीपी ते सतारा विच वचुकी है वो डिड यू माय शाइनी नार जिवे हुंदी शै विकार तेरा दिल दिल दल दल ते नहीं किते तू दुनिया दे वल ते नहीं आज मेरे नते नहीं किते चलते नहीं मेरा कफन कोई मलमल ते नहीं जिनु फुल। इसके लिरिक्स तो अल्फाज बाजी ने लिखे थे ना, रैप हनी सिंह ने, ओके रैप लिरिक्स, क्योंकि जब मेरी अल्फाज बाजी से इसके बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन दोनों ने मिलके लिखा है गाना। कारी बना उपाक न सुन दे एते गुरदास मान कल दाया बैरी चमकों नोट फेंको बकरे बुलाओं दे दिस मेरा देखो काला शाक काला डर्टी गानों की मैंने खोली पाठशाला लड़के ना स्पाइस स्पाइस उमर किस बाइस बाइस बेबी क्लोज योर आईज सूल खाके फजूल बातें करती है ना मकूल इतनी बदतमीज यो हनी सिंगर बैड हैबिट फेमस मैं सक्सेसफुल मेरा काम। अरे यार ये एपिक गाना है भाई, ये एपिक गाना है हनी 3.0 का, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। एंड ऑनेस्टली तुम ना ये गाना जाके सुनना, कितना सही गाना है ये। चला नहीं हनी पाजी के हिसाब से, 17 मिलियन व्यूज हैं, बट मस्त गाना है ये वाला भी। मैं और मेरे कलाकार सब बैठ के करें चिल, पर तू है पतली से नारी पर मेरा वेट हो गया है थोड़ा भारी, तू है जान जाने जहान मैं हूं तेरा शोले का अमजद खान नाचती जा। ए, कितने आदमी थे। अरे यार मलकीत सिंह पाजी, जस्ट लव हिम, लव हिम। तेरे सोचना है लोगो का दारू पी ले हो जलाऊ का संगीत बजता ये भी बॉडी को कर ले स्पिन जैसे मछली तड़पे पानी बिन। हाय हाय लिरिक्स बाय लिल गोलू एंड योयानी सिंह। अपनी पीतल करे तेरा बॉम्ब फिगर ब्लू आईज हिप्नोटिक कोरस लिरिक्स बाय लिल गोलू लिरिक्स बाय योयानी सिंह। कौन कहता है क्रेडिट नहीं मिला? हाँ कुछ लोग कहते हैं मेरे गाने बैन है क्योंकि उन्होंने किया ही कुछ नहीं है उसमें एक्चुअली। पढ़ने लिखने का तेरा ना कोई प्लान है योहानी सिंगर सही कर रही है करती जा मैं हूँ पर पे चढ़ गई कच्ची दारू जैसी चढ़ती जा बेबी सही कर रही है अनुष्का मैं विराट कोहली को नेड़े नेड़े रे तुम्हें आहा
शायर ने खूब कहा है, हनी तुझ में डूब रहा है। TMZ वाले पीछे तेरे क्योंकि LH तेरी चर्चा, शेखा वांगूर अपनी वर्गी तेरी अदा वांगी। हाय यार, I love this song यार। कोई मुझको जर रोके अरे यार कौन कहता हनी सिंह लिरिक्स नहीं लिख सकता यार, जाहिल साले। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक द वीडियो यार।